जम्मू कश्मीर के रियासी में 24 घंटे पहले जो आतंकी हमला हुआ था उस पर पूरा देश मर्माहत है, पूरा देश रो रहा है। देश के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी को अब फिर से आतंकियों के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। आतंकियों का सफाया करना बहुत जरूरी हो गया है। जहां देश का बच्चा बच्चा रो रहा है, वहीं इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ऐसी बात लिख दी है कि आपका दिल रो पड़ेगा। पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि रियासी जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकवादी हमले में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मानवता के ये दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को ये असीम संकट सहने की शक्ति प्रदान करने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। 9 लोग इस आतंकी घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। 9 लोग। सोचिए, अगर फिलिस्तीन का कोई बच्चा रोता है तो उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल कर दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के रियासी में छोटे और मासूम निहत्थे बच्चों पर, जिन्हें इस दुनिया की समझ नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। दूध पीते बच्चों को भी बेरहमी से मार डाला गया। इस आतंकी घटना ने पूरे देश को क्रोधित कर दिया है, पूरे देश का खून खौल रहा है। इस घटना की टाइमिंग आप देखिए, आतंकियों को बहुत अच्छे से पता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है तीसरी बार, पूरे देश की नजर कहां होगी तो शपथ ग्रहण समारोह पर। उसी वक्त उसी समय को चुना गया जब, और हमला किस पर किया गया, उन श्रद्धालुओं पर किया गया जो कि वैष्णो देवी से दर्शन करने के बाद लौट रहे थे और एक और धाम को जा रहे थे। तब बीच रास्ते में उनकी बस पर हमला किया गया। इससे पहले एयरफोर्स पर हमला किया जा चुका है, सेना के जवानों पर हमला किया जा चुका है, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों पर पिछले महीने ही हमला हुआ। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एक बार फिर से पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नौबत पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के हाथ होने की सूचना मिल रही है। भारत के पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान से लिंक जुड़ रहे हैं, इसलिए भारत ने अब मूड बना लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे थे, आज जब बधाई दे रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने कितना हल्के अंदाज में, जैसे कि चलो निकलो, उस अंदाज में उन्होंने आज उस बधाई पर रिएक्ट किया है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करारा जवाब था कि आतंकी घटनाओं को बंद करो। पुष्कर सिंह धामी ने उसी तरफ इशारा किया है कि भारत अब बदला हुआ भारत है, इस आतंकी घटना पर भारत चुप नहीं बैठने वाला, एक एक आतंकियों का सफाया होगा और यह तय हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन तमाम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है जिन्होंने अपनों को खोया या जिनके अपने घायल हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए, कैसे भारत को इसके खिलाफ जवाब देना चाहिए। हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे, अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। इतने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था, ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? ये 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक ग्लास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे, ये ताकत है गोंदसिया की। 1.5 महीने में ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, अरे आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।